बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन क्यों किया गया और क्या ये अयोध्या की विवादित मस्जिद के मामले में एक मुखर आवाज बनकर आई? जहाँ तक बाबरी मस्जिद की एक्शन कमेटी का ताल्लुक है, यकुम फरवरी सन 86 को बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खुलवा दिया, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। और उससे पहले सन 49 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें ताला लगवा दिया था, लेकिन इन्होंने इसको खुलवा दिया। तो जब खुलवा दिया तो उसको मंदिर बनाना चाहते थे बाबरी मस्जिद की जगह, लिहाजा हमने फौरन 1 फरवरी को, जैसे ही मामला सुना तो 2 फरवरी को मौलाना मुजफ्फर हुसैन खचौचवी XMP वो तशरीफ़ ले आए मेरे पास। मैं लखनऊ में था उस वक्त, MLA था, तो उन्होंने मुझसे आकर 2 फरवरी को मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बर साहब, ये तो बड़ा मामला ख़राब हो गया, इसमें मीटिंग बुलाइए। मैंने 3 फरवरी सन 86 को लखनऊ के अंदर वही दारुशिफा में मीटिंग बुलाई। उसमें हम सारे मुस्लिम MLAs को बुलाया और आपस में बैठ कर मशवरा किया कि भई हम इसमें क्या करें। सलाह मशवरे के लिए मीटिंग बुलाई गई, लेकिन वो मीटिंग नामुकम्मल रहने की वजह से 6 तारीख को फिर हमने मीटिंग बुलाई, जिसमें और लोग भी, शहर के जो जिम्मेदार लोग थे मुसलमान, वो उसमें बुलाए गए। उस वक्त ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी 6 फरवरी सन 86 को। अच्छा, आरोप लग रहा है कि जैसे BJP और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो आपसी रस्साकशी थी, हाँ, उसने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश नहीं की। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब ये एक्शन कमेटी बन गई तो हम लोगों ने इस तहरीक को शुरू किया, तो जिसमें मौलाना मुजफ्फर हुसैन कचौचवी उसके चेयरमैन बनाए गए और मैं और जफरयाब जिलानी और आज़म खां 3 उसके कन्वीनर बनाए गए। 3 कन्वीनर थे और मौलाना मुजफ्फर हुसैन कचौचवी वो उसके चेयरमैन थे। इस ढांचे पर, इस बैनर के नीचे बहरहाल हमने इसको, इस मामले को पब्लिक के इल्म में लाए और सारे हिंदुस्तान में घूमे हम, और हमने ये कहा कि भाई ये आईन के ख़िलाफ़, मुल्क का जो आईन है उसके ख़िलाफ़ ये काम हुआ है, लिहाजा हम ऐसा इसको नहीं होने देंगे और हमें इसमें जद्दोजहद करनी है, कानूनी कार्रवाई भी करनी है और सारे मसले उठाने हैं इसमें। तो फिर उस वक्त इस पे, इस सिलसिले में मेहंदियान में दिल्ली के अंदर एक ऑल इंडिया इजलास बुलाया गया था। उस इजलास में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, वो रेजोल्यूशन ये था कि 15 अगस्त सन 47 को जो इबादतगाह जिस हालत में थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये हमारी उसमें मांग थी, और इसको पार्लियामेंट में बिल लाया जाए। तो लिहाजा इस पर बिल आया और ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में भी पास हो गया। उसके बाद में फिर वहीं हमने सन 1987 में 30 मार्च सन 1987 को बहरहाल एक ऑल इंडिया रैली बुलाई हमने, सारे मुसलमानों को मधु किया हिंदुस्तान के, और उनसे ये बात की अपील की कि वो सब लोग इसमें शिरकत करें और इस बात का इजहार करें कि हमारी मस्जिद को मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और उसको ख़तरा पैदा हो गया है। तो लिहाजा 30 मार्च सन 87 को आज तक मुसलमानों का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, कम से कम 14-15 लाख आदमी था जो जुड़ा था, यहाँ तक के जजीरे अंडमान तक के लोग आए थे उसमें। अच्छा सर, उस टाइम क्योंकि CM मुलायम सिंह थे तो मुलायम सिंह यादव को पूरी इस घटना को लेकर खलनायक माना जाता था, कार सेवक पर उन्होंने खुलेआम गोली चलाई थी, वो तो क्या आखिर में मुलायम सिंह भाई क्या भूमिका रही थी, क्या मानते हैं उनकी भूमिका? तो बाद में पैदा हुई जो कुछ भी ज़रूरत पड़ी, लेकिन इन्होंने सारे कार सेवक वहाँ भेजने शुरू कर दिए। सन 92 तक ये तहरीक चलती रही कि ऐसा ना हो, लेकिन इन्होंने उस वक्त नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन गए थे कांग्रेस की तरफ के,
और यहाँ पर क्या नाम था उनका, यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह थे, तो दोनों में कुछ तालमेल हुआ और दोनों की तालमेल की मर्जी से बहरहाल इसमें। जैसा कि आपने अभी माना, आपने भी कहा कि जो भी परिस्थितियाँ हुई हाँ तो उसी को अकॉर्डिंग ये सब किया गया था, मानते हैं कि कार सेपो पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी? नहीं नहीं, मुलायम सिंह ने आज में गोली चलवाने का ये नहीं था कि उनका मकसद कि वो गोली, जब जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए वहाँ पहुँचे और शहीद करने लगे तो उन्होंने आर्डर दिया कि उसको बचाने के लिए गोली चलाई जाए। और यहाँ यहाँ नहीं होता कि जब बलवे फसाद होते हैं जब हालात बिगड़ जाते हैं तो गोली चलती है, तो वैसे ही उस टाइप की गोली थी। उनका मंशा सिर्फ एक पार्टी बनना नहीं था, बल्कि उन्होंने इस बात को देखते हुए कि बाबरी मस्जिद को ये शहीद कर रहे हैं, इन्होंने वादा किया था इस बात का हम ऐसा कुछ नहीं करने के, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अच्छा, उस टाइम सर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे मुलायम सिंह यादव के बीच एक गहरा विवाद रहा था, लेकिन कहने के आरोप ही लगता है उस टाइम के अयोध्या के मुद्दे को लेकर जो था वो चंद्रशेखर का सपोर्ट कर रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ये ना वीपी सिंह इस फेवर में थे और ना ये चंद्रशेखर, मतलब ये तो सब बीजेपी का और आरएसएस के लोगों का, उनका सब मामला था। सर, क्या ये सच्चाई है कि 1986 में मुस्लिम पक्ष मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गए थे, अशोक सिंगल पे इसकी बात की गई थी, लेकिन बाबरी एक्शन कमेटी ने समझौता तोड़ दिया था, ये एक आरोप तरह लग रहा है, इस संबंध में एक बड़ी बैठक दिल्ली बुलाई गई थी, इस तरह का कोई किसने किसने का? नहीं नहीं, जिस तरह से 1986 में मुस्लिम पक्षकार मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गए थे, मुस्लिम पक्षकार जो थे, मुस्लिम पक्षकार मुस्लिम अच्छा। जो थे उसमें जो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें अशोक सिंगल और एक नेता, अशोक सिंगल राजी हो गए थे लेकिन एक नेता संघ के और एक नेता मुस्लिम के, इन दोनों में आपसी तालमेल नहीं बैठा था, दिल्ली में बैठा थी? नहीं, ऐसी कोई मीटिंग हम लोगों में सौदेबाजी की कोई मीटिंग नहीं हुई कि भाई हम इसे बाबरी मस्जिद को शहीद करा देंगे, वो कर देंगे और तो उसके बदले में ले लेंगे, ऐसी इस किस्म का ना कोई लालच था किसी मुसलमान के दिल में कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दें वो और हम उसमें कोई कार्रवाई ना करें या कोई सौदेबाजी कर लें। एक बड़ा सवाल ये आ रहा है सर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अली मियां हाँ। और राजीव गांधी के बीच क्या कोई आपसी डील थी? नहीं, ऐसा नहीं, वो इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। जब बाबरी मस्जिद गिर गई है तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन कचौजवी भी थे और अली मियां भी थे और सारे लोग थे और मैं भी था, सब लोग हम लोग गए थे कि आप, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमने कहा जब मस्जिद शहीद होने से पहले जब कार सेवक जा रहे थे तब हमारी नरसिम्हा राव से बात हुई थी और उनसे कहा था कि भाई इसमें क्या इरादे हैं आपके, अब फिर हम भी वहाँ जाएंगे उसको रोकने के लिए, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उन्हें पूरे तरीके से यकीन दिलाया इस बात का कि बाबरी मस्जिद पर कोई आँच नहीं आएगी। अच्छा, बाबरी मस्जिद को लेकर अली मियां अप्रूव करते थे, एक्शन भी लेते थे, कहा कि उन्होंने कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का आंदोलन किया गया था उस टाइम हिंदू जागृति को ज़्यादा जोश मिला? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये तो एक मसला हिंदू मुस्लिम पैदा यूँ हुआ, जब मस्जिद को शहीद करने की बात हुई तो ये तो बट नेचुरल है कि हर मुसलमान के को तकलीफ़ होगी, उसका एहसास भी होगा, उसके अंदर बहरहाल उसकी इस किस्म की भावना पैदा होगी कि उसको बचाने की कोशिश की जाए। एक बड़ा सवाल ये आ रहा है सर कि जिस तरह से ताला खुलवाना, शिलान्यास, कारवां और ढांचा विवश हुआ, मौन सहमति देना, कांग्रेस की उस टाइम सबसे बड़ी भूल थी? नहीं, कांग्रेस ने जो कुछ भी उस वक्त किया वो कांग्रेस बहरहाल वो उनके दामन पर वो दाग है आज तक और वो छूट नहीं सकता उस पर जी। मतलब उस जो चीज़ सब कुछ हो रहा था उस टाइम अयोध्या के अंदर, तो कांग्रेस का पूरा जो राजनीतिक थी वो सबसे बड़ी भूल मानी जा रही है सर? क्या नहीं, तो भूल यही थी कि अगर वो इंसाफ से काम लेते और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई और सारे हालात सामने थे तो गवर्नमेंट के पास तो सारी ताकत मौजूद थी, वो इन ऐसे हालात बना सकती थी कि बाबरी मस्जिद शहीद ना हो और ये हालात न बिगड़ें और वहाँ पर कोई कार सेवक न जा सके, लेकिन इसके बावजूद कि हालात बिल्कुल सामने थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रोका नहीं कार्य।
अगर 1960 को लेकर अब तक कानूनी मुकदमे की बात की जाए, अदालत की बात की जाए, तो एक्चुअल में मुस्लिम पक्षकार और बाद में एक्शन कमेटी की तरफ से दावे किए गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, आपको कोई उम्मीद की किरण दिखती है? नहीं, देखिए सवाल यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जो था मुकदमा टाइटल का था, हक के मिल्कियत का था मुकदमा, ये और चीज़ों का, ये बाबरी मस्जिद के बंटवारे उसका मुकदमा नहीं था। सवाल था कि हक के मिल्कियत पर सवाल उठा था, उस पर हक के मिल्कियत पर उन्होंने जो बहरहाल फैसला दिया वो मुसलमानों के उसके खिलाफ था बिल्कुल। आखिरी सवाल है सर, के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन इस विवाद को लेकर हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज तक आने के बाद इसका कितना औचित्य रहा है, मतलब क्या इसको मानना है सर? नहीं देखिए, अब इस वक्त तो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के उसमें है, पाले में है वो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया है, क्या आएगा, 15 अगस्त तक उम्मीद है, 15 नवंबर तक आने की उम्मीद है उसकी, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, चूँकि हमें जब इस मुल्क में रहते हैं तो हमें अदलिया पर, वहाँ की कोर्ट पर इत्मीनान करना होगा, एतबार करना होगा। हम तो मुसलमान कौम तो आज भी उस पर कोर्ट पर इत्मीनान करती है और अब भी इत्मीनान किए हुए है। मुसलमानों का अब भी ख्याल ये है कि जो कुछ भी फैसला होगा इंशाल्लाह वो हमें उम्मीद है कि हमें जो सबूत हमने दिए हैं और वकला के ज़रिए से, ख़ास तौर से वो राम, क्या नाम है उनका, धवन जी के, राजीव धवन जी ने जो कुछ भी सारा उस पर डिस्कस किया है, बहस की है, बहुत ही टू दी पॉइंट की है, और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इसकी बुनियाद पर ये फैसला आया तो इंशाल्लाह वो सही फैसला आएगा। और जो भी फैसला आता है, हमारा तो ये मानना है कि फैसला हमारे हक में हो तो हम कहेंगे मुसलमानों से कि वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करें, और हमारे ख़िलाफ़ भी हो तो हमारी सारे मुसलमानों से गुजारिश है वो सब्र से काम लें, सब्र करें उस पर। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई हालात बिगड़े, कुछ हो। बहरहाल जो अदालत पर हम भी फैसला कर रहे हैं, हम भी ये इतबार कर रहे हैं, यकीन है हमें कि अदालत सही फैसला करेगी, और हम हमारी तरफ से जो भी दलीलें आई हैं, जो भी सबूत दिया गया है, उसका जवाब भी उनके पास नहीं है। और ना आज तक, जब हम लोगों की मीटिंग गवर्नमेंट बुलाती थी दिल्ली के अंदर, तो उस वक्त भी जब मीटिंगें हुई तो उस वक्त भी उनके पास कोई दलील इस बात की नहीं थी कि वहाँ ये मंदिर तोड़कर ये बाबरी मस्जिद बनाई गई है। कोई सबूत उन्होंने आज तक इस बात का नहीं दिया और ना है उनके इस बात पर सबूत। जहाँ तक सबूत का ताल्लुक है, वो हमारे हम सबूत में बरहक हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फैसला भी हक पर आना चाहिए, और अगर हमारे हक में फैसला आया तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और हमारे खुदा न खास्ता खिलाफ आता है तो मैं खुद भी भारत सब्र से काम लूँगा, सब्र करूँगा, और मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो भी सब्र से काम लें, इसमें कोई गड़बड़ ना करें।